हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? इट्स माय विश कि आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ रहें। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक जो चूज़ किया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्रायर फिल्टर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल की जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम ड्रायर फिल्टर की बात करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी HVAC सिस्टम का। तो दोस्तों बता दूं कि ड्रायर फिल्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी HVAC सिस्टम। देखते हैं दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे ड्रायर फिल्टर दिखाया जा रहा है, ड्रायर फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्टर जो है वो दो तरह का होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रायर फिल्टर्स अवेलेबल। फर्स्ट वन इज लिक्विड लाइन टाइप एंड सेकंड वन इज सक्शन लाइन टाइप। ये जो पहला जो लिक्विड लाइन टाइप जो ड्रायर फिल्टर होते हैं दोस्तों, ये कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के बीच में लगा होता है, और दूसरा जो हमारा सक्शन लाइन टाइप होता है ये एवोपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल और कंप्रेसर के बीच में लगा हुआ होता है। एक्चुअली में दोस्तों ये ड्रायर फिल्टर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ड्रायर एंड फिल्टर, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक ड्रायर और दूसरा फिल्टर। फिल्टर दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल होता है सिस्टम में उसे छानने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है, और ड्रायर जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है ड्रायर फिल्टर के अंदर जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेन कंपनी का ये यूनिट है एंड टुडे आई हैव ट्राइड टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रायर फिल्टर which is one of the most important part of any HVAC units. Okay, thank you for watching my this video. Next video mein fir milenge, tab tak ke liye goodbye.